कहां तुम्हारो बेटा और नाम जब इतना बता दिया योगीराज सिद्धार्थ ने तो मग्धेश्वर बिंबसार कहने लगे, अरे तुम तो हमारे मित्र के पुत्र हो, क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या तुम्हारे पिता ने कुछ कह दिया? बोले नहीं राजन, मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। बोले फिर क्या तुम्हारे राज्य में तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर तुम्हारे राज्य में तुम्हें अच्छा ना लगा हो तो चलिए हमारे साथ, आधा राज्य तुम चलाना और आधा राज्य हमारा बेटा चलाएगा। योगीराज सिद्धार्थ कहने लगे, राजन अगर मुझे राज्य चलाना होता तो यहाँ तो दो हिस्से हो जाएंगे ना, अगर मुझे राज्य ही चलाना होता तो मैं कपिलवस्तुगढ़ राज्य को छोड़ के नहीं आता। बोले फिर क्या तुम्हारी पत्नी यशोधरा ने कुछ कह दिया? बोले नहीं नहीं राजन, विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं सिद्धार्थ की जन्म देने वाली माँ इस दुनिया से चली गई, कहीं मौसी प्रजापति ने तो घर से निकाल तो नहीं दिया। बोले क्या तुम्हारी मौसी प्रजापति ने कुछ कह दिया? योगीराज सिद्धार्थ कहने लगे, महाराज सब कुछ कहना
अगर मौसी प्रजापति को दोष लगाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अरे जिस मौसी ने मुझे पाला पोसा, जिस मौसी ने मुझे अपना स्तनपान कराया, उस मौसी को तुम दोष लगा रहे हो? नहीं रसन। बोले फिर क्या हुआ? कहा महाराज मैंने इस दुनिया में देख लिया है कोई किसी का नहीं। आखिर मानव दुखी है तो दुख है तो है क्या? दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? कारण है तो निवारण क्या है? और निवारण है तो उसका उपाय क्या है? जब तक इन चार आर्य सत्य की खोज नहीं कर लूंगा वापस लौट के जाने वाला नहीं। तो उस समय मेरे भाइयों तो सबसे पहले वो जाकर के जंगल में पहुंचे, सोचते विचारते हुए बढ़ते चले जाते कि मुझे कोई ऐसा योग गुरु मिल जाए जिस गुरु के पास जाकर के वो ज्ञान अर्जित हो जाए, वो ज्ञान मिल जाए। गुरु गुरु किसे कहते हैं? अरे गुरु तो वही होता, कहते गुरु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही सच्चा गुरु होता। और आजकल आप लोग देख रहे हैं सच्चे गुरु तो बहुत कम मिलेंगे। आजकल वो गुरु ज्यादा मिलेंगे चच्चा, गले ने गुरुआ भरे तुम हमसे मंत्र ले हो और स्वर्ग जाओ या नरक जाओ हमें दक्षिणा, अपना काम बंद तारो भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं कि गुरु करो जान की और पानी पियो छान के। बताओ सही बात है? कहते कि गुरु करो जान की और पानी पियो छान के, कि अगर पानी को छान दिया जाए तो क्या पता चल जाएगा ये स्वच्छ है? अरे पानी में कहीं किसी की टॉयलेट मिला दी जाए, अरे पता चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। लोग तो कहते कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। लोग कहते गुरु करो जान के पानी पियो छान के, और मैं कहती गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। गुरु करो छान के। अब छानने का मतलब ये नहीं आटा वाली चलन नहीं, मतलब पहले इधर उधर छानबीन कर लो, पता कर लो, जानकारी कर लो कि ये व्यक्ति गुरु बनाने की काबिल है भी या नहीं भी। तो जब वो जाकर के घने जंगल में पहुंचे तो वहां पंच बद्री ब्राह्मण ज्ञान के तलाश में वो भी घूम रहे थे। उन सभी ने देखा कि जिस ज्ञान को भैया सिद्धार्थ पाना चाहता है उसी ज्ञान को हम सभी पाना चाहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम योगीराज उनको पता चलता है कि अडार कलम बड़ी ही ज्ञानी महाज्ञानी है, तो अडार कलम के पास पहुंचे थे। अडार कलम से ज्ञान को प्राप्त करना चाह पर जिस ज्ञान को पाना चाहते हैं वो अडार कलम के पास भी, जबकि सैकड़ों शिष्यों के बीच में बैठ करके शिक्षा का आदान देते थे वो। उन्हें नाम पता चलता है रामपुत्र द्रग, बड़े ज्ञानी महाज्ञानी हैं। जब रामपुत्र उद्रक के पास पहुंचते तो रामपुत्र उद्रक के पास बस श्वसन की अनापान की क्रिया को सीखा, श्वास को किस प्रकार से खींचा जाता है और थामने के बाद श्वास को किस प्रकार से छोड़ा जाता है। लेकिन जो प्राप्त करना चाहते थे वो वहां भी नहीं होता। जब वो पंचभद्रियों को पता चलता है तो पंचभद्री भी योगी सिद्धार्थ के साथ में चल देते।